हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग का थर्ड पार्ट है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम 18 अगस्त को है उत्तराखंड एल्टीग्रेड का, एंड सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले सभी वीडियोज देख सकते हैं। सभी के लिए जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है, स्ट्रीम होता है। तो दोस्तों, 18 अगस्त के बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे, तब तक आप वेट कीजिए और जितना भी मेरे से कोशिश हो सकेगा, जैसे कि एक स्पोर्ट ट्रेनिंग का लास्ट वीडियो है, उसके बाद किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का प्रैक्टिस कराऊंगी, ओलंपिक 2024 जो है पेरिस ओलंपिक में हुआ है उसको भी बनाऊंगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, सीटअप के उद्देश्य हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप सीटअप करते हैं तो आपका जो फोर्स होता है बीच में पेट पे पड़ता है, इसलिए जो है सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। क्योंकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स होता है रेसिस्टेंस और एक्सिस के बीच होता है। तो सीटअप क्या करता है, पेट की शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाता है, यानी पेट को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 203 है, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है, तो विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। यह अभ्यास उपयोग अनुपयोग जो थॉर्नडाइक ने बांटा है, सीखने के तीन नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्न में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। तो दोस्तों, खेल कार्यक्रम ही नहीं, किसी भी चीज़ का पहला कदम होता है योजना बनाना, स्ट्रेटजी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 205 है, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, रणनीति यानी योजना बनाना, रणनीति यानी स्ट्रेटजी को प्रतियोगिता योजना की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। सभी चीज़ों की, जैसे आपकी योजना जितना अच्छा रहेगा, कार्य उतना ही अच्छा सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 206 है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है फील्ड यानी मैदान, क्योंकि फील्ड में ही सभी एक्टिविटीज हम कराते हैं, उसके महत्व को समझाते हैं। क्योंकि इसलिए जो है एक प्रकार का जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है मैदान का, एंड इसलिए इसे चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला भी कहा जाता है फील्ड को। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना का अधिकांश भाग ग्राउंड से संबंधित होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 207 है कि खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। तो दोस्तों, यहाँ पे संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है अनुप्रेषण यानी रीडायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 208 है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं, किस कारक का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। तो दोस्तों, उनको शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, शक्ति का अवशोषण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा शिक्षण जो है अप्रभावी हो सक्था है तथा छात्रों की भी सक्रिय सहभागिता प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 209 है कि एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तैराकी भी एरोबिक में ही आता है, लंबी दूरी की दौड़ एरोबिक में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एरोबिक फिटनेस की श्रेष्ठता सबसे अच्छा प्राप्त किया जा सकता है लंबी दूरी की दौड़ में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 210 है कि एरोबिक फिटनेस को किसके माध्यम से अच्छा हासिल किया जा सकता है। वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, लंबी दूर की दौड़, ठीक है, ठीक है। तो एरोबिक से आसे होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऐसे व्यायाम से है जिसको करने से शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 211 है, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो शारीरिक शिक्षा में शिक्षा के महत्व की शुरुआत
18वीं शताब्दी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 212 है कि निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? तो दोस्तों इसमें मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, एक स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। आलोचना के लिए निम्न प्रतिक्रियाओं में से कौन सा शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा होगा? तो दोस्तों यदि आपका आलोचना हो रहा है तो आप आलोचना से निपटने के लिए क्या करेंगे? क्या उसका भी आलोचना करेंगे? क्या उससे भी लड़ेंगे झगड़ेंगे? नहीं दोस्तों, आप सबसे पहले बात क्या है उसकी वास्तविकता को जानेंगे, यानी कि स्थिति की वास्तविकता को पहचान करके और उसके तर्क से निपटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति कमीशन की 1842 में दिया गया, और इंटर ये जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किया था, इसकी जो संस्तुति प्रदान की थी। इसकी संस्तुतियों में बच्चों के शारीरिक विकास को खेलों के माध्यम से करने तथा उनमें चारित्रिक व अनुशासनात्मक विकास पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 215 है, खेलकूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है खेलकूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है? तो इसमें फ्री यूटिलाइजेशन आपका राइट है, उसका प्रिंसिपल ऑफ फ्री यूटिलाइजेशन यानी आवर्तनीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा प्रिंसिपल ऑफ फ्री यूटिलाइजेशन, जिसमें फिटनेस विकास से संबंधित है, जिसमें मोटर कौशल किसी कार्य को अधिकतम निश्चिंता, न्यूनतम ऊर्जा और न्यूनतम समय में करने की क्षमता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 216 है, खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब दोस्तों जितना आप कार्य कर रहे हैं उसके अलावा जो आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण का शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, ठीक है। तो ऑक्सीजन उतना मिल नहीं रहा है, आप जबरदस्ती करते जा रहे हैं तो वो ओवरलोड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध अतिभार के सिद्धांत है, जिसके द्वारा जो है जो ट्रेनिंग कर रहा है प्रशिक्षु है उस पर अतिरिक्त भार या कार्यभार बढ़ाकर अभ्यास कराया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 217 है कि अतिभार यानी ओवरलोड होता है। तो दोस्तों ओवरलोड क्या है? यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आवृत्ति तीव्रता तथा समय के साथ साथ सामान्य से अधिक शक्ति से प्रशिक्षण के दौरान शरीर में सुधार लाना। जितना आपको रोज डेली बेसिस पे दिया जा रहा है उससे कहीं अधिक शक्ति से प्रशिक्षण लिया जा रहा है, उसके द्वारा सुधार किया जा रहा है, तो वो आपका ओवरलोड कहला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, ऑफर्ड परीक्षण युवा किसकी माप करने से संबंधित है? दोस्तों ऑफर्ड टेस्ट जो है वह मोटर फिटनेस को से संबंधित है, जिसमें कुल 6 आइटम्स हैं। इसका पूरा नाम अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस है, और यह फिटनेस मोटर फिटनेस की माप करता है। और दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है हर एक टॉपिक, तो आप फिजिकल फिटनेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट की पूरी जानकारी मिलेगी थ्योरी सेशन में। नेक्स्ट है पुल ऑफ लड़कों के लिए और हाथ लटकाने का परीक्षण जो है जिसे हम है क्या कहते हैं दोस्तों, हैंग कर्ल अप। तो लड़कियों के लिए युवाओं को तंदुरुस्ती परीक्षण
ऑफर्ड में क्या मापने के लिए होता है, तो जो पुलअप्स होता है, फ्लेक्स आर्म हैंग होता है, इन दोनों में हम क्या करते हैं, अपने जो है हाथों की और कंधों की मजबूती को मापने के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसन नंबर सी, हाथों और कंधे की मजबूती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220 है, ऑफर्ड का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। क्वेश्चन नंबर 221 है, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें तो सबसे सर्वोत्तम रूप से हो जाएगा 50 गज दौड़ द्वारा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका 100 मीटर दौड़ आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 222 है कि सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो 1957 में मॉर्गन एडम्सन के द्वारा दिया गया था, जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 223 है कि वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है सर्किट प्रशिक्षण, यानी परिधि प्रशिक्षण या सर्कल प्रशिक्षण, कुछ भी कह सकते हैं, बस सर्कल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 224 है कि एक बेंच से फर्श पर कूदना, उसके बाद तुरंत वापस बेंच पर आ जाना, में किस प्रकार के भार को दर्शाता है, तो दोस्तों यह प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जिसमें बेंच पर से कूदेंगे फिर बेंच पर वापस आ जाएंगे, बेंच पर आ जाना, लाइन से बेंच लगा होता है, जैसे इस प्रकार से एक बेंच यहाँ पे हो गया, फिर एक बेंच यहाँ पे हो गया, फिर एक बेंच यहाँ पे, ऐसे रहता है, बेंच से नीचे कूदेंगे फिर नीचे से बेंच पर, बेंच से नीचे कूदेंगे फिर नीचे से बेंच पर, इसी तरह प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है जो विस्फोटक क्षमता को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 225 है, निम्न में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है, तो दोस्तों उछल कूद, हॉपिंग, एक बार नीचे कूदेंगे फिर ऊपर कूदेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यतः बाउंसिंग या उछल कूद हॉपिंग है। ठीक है, एंड 226 क्वेश्चन नंबर है कि पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है, तो दोस्तों एक्सप्लोसिव पावर को विकसित करता है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्टलेक है यह सहनशीलता या एंडोरेंस डेवलप करता है, सर्किट ट्रेनिंग जो है वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग जो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का एक प्रशिक्षण है, तो दोस्तों प्लायोमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 228 है, वही क्वेश्चन 3-4 बार, पावर की स्फोटकता के लिए प्रशिक्षण की विधि को क्या कहते हैं, तो स्फोटकता, यहाँ की पावर की स्फोटकता यानी गति के साथ शक्ति की बात करें तो वहाँ पर आपका विस्फोटक शक्ति हो जाएगा, तो विस्फोटक शक्ति प्रशिक्षण विधि कौन है इसमें, तो यह है प्लायोमेट्रिक्स, कौन है, प्लायोमेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 229 है कि प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसको, विस्फोटक शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 230 है, अधिकतम बल का प्रयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है, तो दोस्तों यह जानी जाती है मांसपेशी शक्ति। ठीक है, मांसपेशी शक्ति, क्योंकि इसके अलावा और सभी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 231 है कि शरीर यांत्रिकी में निम्न में से किसे आंतरिक बल के रूप में जाना जाता है, दोस्तों शारीरिक यांत्रिकी में आंतरिक बल एंड बाह्य बल तो होता है, जिसमें आंतरिक बल जो हमारा मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल होता है उसे कहा जाता है, एंड यहाँ पे हवा का दबाव, गुरुत्वीय खिंचाव एंड संतुलन, ये सभी बाह्य बल है। ठीक है, ये सभी क्या है, बाह्य बल है एंड घर्षण। क्वेश्चन नंबर 232 है कि सतत प्रशिक्षण यानी कि कॉन्टिन्यूस
ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो 1920 में अर्नेस्ट वार्ड वॉकिन के द्वारा दिया गया, जिसमें इसमें आपका स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, वेरिएबल पेस मेथड, फॉर्डलिक ट्रेनिंग मेथड आता है। क्वेश्चन नंबर 233 है, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये जान सकते हैं देखने से ही, पढ़ने से ही आपको क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए होंगे। यह जॉगिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग सब एरोबिक है। एरोबिक जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, सहनशीलता वाला रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का एक हिस्सा है, याद रखिए। ठीक है, यह एरोबिक फिटनेस का मांसपेशियों की सहनशीलता विकसित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 234 है, सतत प्रशिक्षण यानी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो सहनशीलता विकसित करती है, तो क्या है? तो सहनशीलता का नाम आता है, आपको तीन चीज याद रखना है। एक तो लंबी अवधि रहेगा, एक लो इंटेंसिटी यानी कम तीव्रता रहेगा, एक क्या रहेगा, तो कम तीव्रता, लंबी अवधि, बिना थकान, ये शब्द याद रखिएगा, थकान या बिना थकान। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लंबी काल अवधि में निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण। देख लिए, तो क्वेश्चन इसी तरह का पीपीएससी TRE 3 में आया था, स्टेटमेंट बेस पे लंबा लंबा, लेकिन आप कुछ समझ रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर समझ के दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 235 है, निम्नलिखित अभ्यासों में से कौन सा तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है जिसमें आराम की अवधि या तो बहुत कम है या मौजूद ही नहीं है? तो दोस्तों यह बड़ी संख्या में अभ्यास है जिसे हम मास्ड प्रैक्टिस का अभ्यास कहते हैं। सतत प्रकार क्या है, जिसमें आराम अवधि या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है। सतत प्रशिक्षण या अभ्यास विधि की संकल्पना डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकिन द्वारा विकसित की गई थी, ये मांसपेशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 है कि शुरू से अंतिम चरण तक समूह गतिकी में समूह के विकास के चरणों का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और अडजर्निंग। क्वेश्चन नंबर 237 है, सभी लघु दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो दोस्तों सभी लघु दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है मांसपेशी तंतु का प्रकार। जैसे मांसपेशी तंतु जो है, फाइबर जो है, दो प्रकार का होता है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। इस व्हाइट मसल फाइबर जो है फास्ट ट्विस्ट होता है, रेड मसल जो है स्लो ट्विस्ट होता है, एंड जो व्हाइट मसल फाइबर होता है अनएरोबिक शक्तिवर्धक हाई इंटेंसिटी वाली क्रियाओं के लिए होता है, काम करता है, और जो रेड मसल होता है वो एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन युक्त क्रिया, लंबी अवधि की क्रिया, सहनशीलता वाले खेलों में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 238 है कि निम्न में से कौन से वक्तव्य खेलकूद प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत भी है, प्रगति का सिद्धांत भी है, सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत भी है, वार्म अप और कूलिंग डाउन सिद्धांत भी है। सभी के सभी जो है स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेलकूद प्रशिक्षण के अंग हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है कि फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित है। तो कौन सी फिटनेस दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं, तो जबकि कार्यात्मक फंक्शन की बात करें तो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा आपका, जबकि स्ट्रक्चर की बात करें तो एनाटॉमिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल को हम क्या कहेंगे हिंदी में, दैहिक, क्या कहेंगे, दैहिक। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फिटनेस, कौन सी फिटनेस, फंक्शंस की बात करेगा तो फिजियोलॉजी हो जाएगा, स्ट्रक्चर की बात करेगा तो एनाटॉमी हो जाएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर के संचालन का अध्ययन है, और सारी फिटनेस एनाटॉमिकल फिटनेस किसी व्यक्ति के आकार से संबंधित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फिटनेस शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है, जबकि एनाटॉमिकल फिटनेस व्यक्ति के रूप और आकार से संबंधित होता है, याद रखिए। यहाँ पे दैहिक का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल, क्रिया विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 240 है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी क्षमता के संयोजन को
किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है तंदुरुस्ती यानी फिटनेस के रूप में, ठीक है। इसको हम तंदुरुस्ती या फिटनेस कहेंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी क्षमता के दोनों के संयोजन को हम कहते हैं फिटनेस, तंदुरुस्ती। लेकिन इसका अर्थ काफ़ी विस्तृत है। एक आम व्यक्ति की शारीरिक पौष्टिक का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे हम थकावट का अनुभव किए बिना ही करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी क्षमता के संयोजन को तंदुरुस्ती या फिटनेस के रूप में जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको फिटनेस में बताया हुआ है, फिजिकल फिटनेस क्या होता है कि डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, डेली के काम को बिना फटीग यानी बिना थकावट के कर दें और अतिरिक्त ऊर्जा किसी आपातकाल के लिए बचा रहे, तो उसी को हम कहते हैं फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 241 है कि खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो खेलों में जांच अनुसंधान से क्या लाभ मिलता है दोस्तों, क्या महत्व है उसका? तो यहाँ पे जो है खेलों में जांच और माप से हमें अनुसंधान और प्रयोग के लिए महत्व है, भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए महत्व है, खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, भागीदारों की जरूरतों का पता लगाने के लिए। तो इनमें सभी ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 242 है कि विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में से खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मांसपेशी संकुचन की बात कर रहा है लचीलापन की, तो ये आपका है लचीलापन विकसित करने की चार विधियाँ हैं, बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, पीएनएफ मेथड। तो ये पीएनएफ मेथड की बात कर रहा है, तो प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन पीएनएफ मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में खिंचाव से पहले मांसपेशी का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 243 है दोस्तों कि कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि है जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है? तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, तो स्टैटिक पेशी एक्टिव स्ट्रेचिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 242 243 का दोनों का आंसर प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि आगे क्वेश्चन आए इस प्रकार का तो आपका गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 244 है कि सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप जानते हैं एडमसन मार्गन के द्वारा 1957 में तैयार किया गया था, जो स्टेट एंड्योरेंस को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 245 है कि शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोर तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी जान रहे हैं शक्ति प्रशिक्षण या डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोर तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलता है, सेम लंबाई होता है, तो इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, सेम लंबाई, कोई गति होता हुआ दिखाई नहीं देता, जैसे हमारा दीवार को धक्का मारना या दीवार के सहारे बैठना। और आइसोटोनिक में जो होता है वो आपका आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। दो प्रकार का होता है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, लंबाई कम होती है तो कंसेंट्रिक, ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक, ठीक है। तो इसमें जितने भी एरोबिक एक्सरसाइज है सभी आ जाती हैं, जैसे कि दोस्तों जॉगिंग एंड कैलिस्थेनिक व्यायाम एंड वेट ट्रेनिंग, सभी चीज़ें और जो डंबल अभ्यास हैं। और आइसोकाइनेटिक क्या होता है? तो आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति है, मशीनों द्वारा होता है, जैसे पानी और वाले खेले में जैसे तैराकी, रोइंग, ये सभी आदि चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 246 है कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फिटनेस ग्राम परीक्षण क्या है। तो यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए द्वारा तैयार किया गया था। बी है यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का एक आसान रास्ता है, तो दोनों सही है। सी है इसमें हृदय वाही का फिटनेस, मांसपेशी क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 247 है, तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है
किस में? तो दोस्तों भार प्रशिक्षण की बात कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ की विकास करेगा, मांसपेशी शक्ति की विकास करेगा। जहाँ भी आपको भार प्रशिक्षण शक्ति वाला बात हो जाए वहाँ मांसपेशी शक्ति होगा, याद रखिएगा। तो लंबे समय की जहाँ पे बात होगा वहाँ एरोबिक या कार्डियो रिस्पायरेटरी इंड्योरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 248 है कि प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार काफ़ी हद तक ताकत किससे प्राप्त होगा, तो दोस्तों वजन प्रशिक्षण वेट ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा ताकत प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 249 है कि अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको एक्लेमेटाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को एक्लेमेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक्लेमेटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बदलती वातावरण या पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में अनुकूलन प्राप्त कर रहा है करता है। क्वेश्चन नंबर 250 है कि मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है। तो दोस्तों यह प्लायोमेट्रिक्स मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए बात हो जाएगा प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, कि प्लायोमेट्रिक्स को जब ट्रेनिंग के रूप में दिया जाता है तो इसमें मांसपेशी शक्ति और विस्फोटकता को बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। वास्तव में इस प्रकार के व्यायाम में तीव्र व शक्तिशाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों मोटर घटक स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ मोटर वाला जो पार्ट होता है वो आपका जो विस्फोटक शक्ति होता है वो गति और शक्ति दोनों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 251 है कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, तो आत्मरक्षा, जिम्नास्टिक, योग, ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 है कि शारीरिक शिक्षा की जरूरत है किसके लिए। दोस्तों जैसे कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास करता है, तो शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 253 है कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं क्या है। दोस्तों लोग अक्सर आम लोग सोचते हैं कि शारीरिक शोषण, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन हीनता पैदा करना, ये समझते हैं लोग शारीरिक शिक्षा को, तो उपरोक्त सभी ये भ्रांतियाँ जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि शारीरिक शिक्षा जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु दिया जाने वाला शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 254 है कि एक विशेष खेल के लिए एक नए कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को निम्न में से कौन सा पहला करना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले उस चीज़ का हम बेसिक परिचय जो है देंगे, तो कौशल का परिचय हम देंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौशल का हम क्या करेंगे, बुनियादी या मूलभूत परिचय देंगे जिससे वे उससे नए खेल के प्रति उत्सुक हो सके छात्र। क्वेश्चन नंबर 255 है किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी कार्य को करने के पहले आप क्या करते हैं, किसी खेल को खेलने से पहले आप क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्माते हैं यानी वार्मिंग अप करते हैं जिससे आपके मांसपेशियों में ऑक्सीजन बढ़ने की शक्ति बढ़ जाती है एंड मांसपेशियों में फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे चोटें कम आती हैं और ज़्यादा समय तक आप कार्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है वार्मिंग अप। ठीक है, तो वार्मिंग अप से क्या होता है, शरीर को प्रारंभ में हल्के फुल्के व्यायामों से गर्माने से मांसपेशियों का संकुचन दूर हो जाता है, उनमें फैलाव आता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी आता है और मांसपेशियों में कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। वार्मिंग अप से मनुष्य शरीर को मानसिक दोनों रूप से अनुकूलन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 256 है कि किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है। तो अभी जस्ट ने बताया क्यों जरूरी है, लचीलापन आता है, ऑक्सीजन बांधने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे जो विद्यार्थी होता है, खिलाड़ी होता है, शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक रूप से तैयार हो जाता, होने मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में लचीलापन बढ़ाना है, जैसे कि शरीर को तापमान को बढ़ा देता है, मांसपेशियों में चिपचिपाहट को कम करता है, तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ाता है, उपापचय दर की दर में वृद्धि करता है, चिंता और तनाव को कम करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आप सही आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 257 है कि अधिकतम नियंत्रणीय गति क्या है। तो दोस्तों अधिकतम नियंत्रणीय गति क्या है कि आरंभ से अंत तक जब शरीर सबसे तेज समय से चलता है तो उसे हम कहते हैं अधिकतम। नहीं दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि शरीर का नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम गति करना, ये आपका अधिकतम नियंत्रणीय गति कहलाता है, मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 258 है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 है कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई थी। तो आप सभी को पता है 1882 में हुआ था और शारीरिक शिक्षा को मान्यता भी मिला था, और भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिबन के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। एंड भारत की शिक्षा व्यवस्था में के संदर्भ में विचार करने के लिए सरकार ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को। क्वेश्चन नंबर 260 है कि इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1987 को की गई थी दिल्ली प्रशासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 261 है कि किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया। तो आप सबको मालूम है, सब पढ़ते पढ़ते इसको थक गए हैं, फ्रोबेल ने, ठीक है। इन्हें किंडरगार्टन के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना जर्मनी में 1837 में किया था। क्वेश्चन नंबर 262 है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे किस में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसको यूनेस्को के चार्टर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 263 है, निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों उम्र और लिंग दोनों सिद्धांत है, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य योजना बनाते हैं। गर्म करना वार्मिंग अप भी शामिल होता है, उन्नति भी शामिल होता है, बट यहाँ पे शिक्षक का अनुभव नहीं शामिल होता, क्योंकि हम पाठ्य योजना बच्चे को ध्यान में रखकर, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 है, पाठ्य योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। दोस्तों तो हमेशा जब ऐसी बात कहे तो हमेशा विषय पर जाइएगा, हमेशा विषय वस्तु के संबंधित होना चाहिए। तो विधि बहुत विधिपूर्वक और विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए पाठ्य योजना की भाषा। क्वेश्चन नंबर 265 है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। तो पाठ योजना हमेशा विषय वस्तु पर ध्यान रखकर हम बनाते हैं, तो विषय वस्तु पर ध्यान होना चाहिए, याद रखिए। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है, पाठ योजना के भाग हैं। तो दोस्तों पाठ योजना में हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हाइट एकत्रीकरण करते हैं, खड़ा करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वार्मिंग अप कराते हैं, उसके बाद हम स्किल का अभ्यास करते हैं, तब उसके बाद मनोरंजन गेम कराते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 267 है, तो डिसमिसल भाग है। दोस्तों जैसे हम पाठ्य योजना में लेसन प्लान में जो है, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू हाइट खड़ा कराते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं, फिर स्किल कराते हैं, और उसके बाद हम मनोरंजन गेम कराते हैं, उसके बाद हम डिसमिस कराते हैं। तो यहाँ पे डिसमिस जो है किसका भाग होता है, पाठ योजना लेसन प्लान का भाग होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 268 है कि निम्न में से किसको समाहित करते हुए सारी शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गति, खेल और स्वास्थ्य दक्षता में समाहित होते करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है, तो गति, खेल और स्वास्थ्य दक्षता में। क्वेश्चन नंबर 269 है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान के मुताबिक निम्न में से कौन सा आजीवन शारीरिक शिक्षा सक्रियता में छात्र की भागीदारी को अच्छा बढ़ावा देता है। तो दोस्तों वह होता है आपका विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यक मूल कौशलों को हासिल करना,
जो आजीवन शारीरिक सक्रियता विभाग में छात्र की भागीदारी को अच्छा बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 270 है दोस्तों कि एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को इससे ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों एक हफ्ते में कम से कम 18 से 24 घंटे से ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक हफ्ते में 18 से 24 घंटे से ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपको मिनिमम रखा गया है कि 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि अगर 30 मिनट करेंगे तो एक हफ्ते में कितनी हो जाएगा, तो 3.5 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 18 से 24 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में नहीं करना चाहिए प्रशिक्षण, ठीक है, नहीं तो आपको हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 271 है कि इन में से कौन सा बिंदु सारी शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोग करता है। तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वही इसको एकेडमिक विषय बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 272 है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा शोधकर्ता के अनुसंधान के असाधारण बौद्धिक कौशल को दर्शाता है। तो वह होता है आपका व्यक्तिगत अवलोकन और जिज्ञासा। क्या होता है? व्यक्तिगत अवलोकन और जिज्ञासा, जो शोधकर्ता अनुसंधान के असाधारण बौद्धिक कौशल को दर्शाता है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत अवलोकन क्षमता और जिज्ञासा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273 है कि आदेश का संबंध है। तो दोस्तों आदेश का संबंध जो है किससे है, तो कमांड से है। क्वेश्चन नंबर 274 है कि शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए किस चीज़ का। दोस्तों शारीरिक शिक्षक सबसे अलग दिखना भी चाहिए, एक मजबूत स्ट्रांग पर्सनालिटी भी होना चाहिए, तो निपुणता कुशलता होना चाहिए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता अच्छा होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी चीज़ें आपको सारी शिक्षा में गुण होना चाहिए, और शिक्षकों में नहीं होगा तो चलेगा, बट फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक अलग सा सर्वांगी विकास उसके अंदर होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को सर्वांगी विकास कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 है कि सारी शिक्षा के सिद्धांत निम्न में से किस पर ज़्यादा आधारित है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के जितने भी सिद्धांत हैं, एक्सरसाइज हैं एंड शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, सभी जो है आपके दौड़ हैं, सभी चीज़ें एक प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत पर नियम पर कार्य करते हैं। जैसे एक वर्तमान में आपका किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स आ गया है, तरह तरह की खोजें हो रही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 276 है कि शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो कौन शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को, तो वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 277 है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वे हैं। तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जिस चरणों से गुजरते हैं, मान लीजिए आपका लक्ष्य ए है, तो यहाँ से आपको चल के आना पड़ेगा, आप यहाँ से आ रहे हैं, तो इन छोटे छोटे जो उद्देश्य हैं इन सब को पार करके तब आप लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उसे उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बिना उद्देश्य के लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर उद्देश्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक विशिष्ट और आसान होते हैं। उद्देश्य बुनियादी उपकरण होते हैं जो सभी नियोजन और रणनीतिक गतिविधियों को रेखांकित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों आपको पता है शारीरिक मानसिक सामाजिक अध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 279 है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या है, तो सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 280 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा जो लक्ष्य है इसके आरंभ से ही इसका लगभग निर्धारित रहा है, जब से ये आरंभ हुआ है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 281 है कि स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में सहायता मिल सके। तो दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा में हम क्या होना चाहिए, निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना, ये इस चीज़ को
जो है स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में कि निर्णय करना और इस विकल्प को चयन करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 282 है कि शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है, शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सभी किसी भी चीज़ का पहले हम चयन करते हैं, स्व आकलन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। पहले हम किसी भी चीज़ का क्या है, सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप का स्व आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्व नियोजन करेंगे, तब तो हम उसको चुनेंगे। एंड बी के बाद आपका हो जाएगा, चुनने के बाद हम क्या करेंगे, कार्यकलाप का अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम करेंगे अध्ययन। तो बी के बाद सी हो जाएगा, ठीक है। और जब अधिगम कर लेंगे तब उस कार्य को हम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, शारीरिक क्रियाकलाप और व्यायाम करना, तो बी सी फिर ए। उसके बाद जीवन प्रयत्न उस पर लगे रहेंगे, तो शारीरिक कार्यकलाप में जीवन प्रयत्न संलग्न रहेंगे, तो आप फिर लास्ट में हो जाएगा डी। इस प्रकार बी सी ए डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 283 है कि पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड नाइट ने सीखने के तीन मुख्य नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। यहाँ पे प्रतिक्रिया का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 284 है शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। दोस्तों जैसे कि ब्लूम ने दिया हुआ है एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कॉग्निटिव सीखना यानी संज्ञानात्मक सीखना, प्रभाव सीखना यानी इफेक्टिव सीखना, मोटर नियम के सीखने यानी कि जो साइको मोटर लर्निंग है, तो कॉग्निटिव इफेक्टिव साइको मोटर यानी कि संज्ञानात्मक प्रभाव और मोटर नियम सीखने के है, इनमें सभी नियम जो है शारीरिक कौशल का सीखना से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 285 है दोस्तों, जो वीडियो है लंबा हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिएगा, इतना मेहनत आपके लिए मैं करती हूँ, लंबा लंबा वीडियो बना रही हूँ, आप उतना देर तक रुकते भी हैं कि नहीं रुकते हैं आप ही जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 285 है कि अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम प्रैक्सनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 है कि विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। जो विशेष शिक्षण विधि होता है वो अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। योग्य अध्यापक पिछड़े हुए बालकों को ऐसी परिस्थितियों में रखता है, जैसे विशेष मतलब होगा जो विकलांग हैं, बधिर हैं, उनको विशेष छात्र के अंतर्गत रखा जाता है। जो विशेष शिक्षा होता है तो विशेष अध्यापक की जो कुशलता है उस पर निर्भर करेगा। तो जो कुशल अध्यापक होता है वो क्या करता है कि पिछड़े हुए बालकों को ऐसी परिस्थितियों में रखता है जिनमें वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे क्रमशः और भी कठिन परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 है कि पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों पर्यवेक्षण जो कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, बच्चों के सीखने की स्थिति पर उसका प्राथमिक ध्यान होना चाहिए। तो जो पर्यवेक्षण होता है नवीनतम शिक्षण विधियों, प्रक्रियाओं एवं सहायक साधनों से अवगत कराकर तथा उनको व्यवहार में लाने का ये प्रयास करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 288 है कि शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो शारीरिक शिक्षा में कौशल सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है प्रदर्शन विधि, ठीक है, प्रदर्शन विधि। इसमें अध्यापक कक्षा में छात्रों को सम्मुख जाकर के प्रयोग का प्रदर्शन करता है, जिसे छात्रों के लिए स्थूल पदार्थों को समझना, याद रखना आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 289 है, निम्न गतिविधियों में से किसे एक खुला कौशल माना जाता है। तो दोस्तों जो खुला एकदम होता है, जैसे कि जंगल में पहाड़ी मोटर पहाड़ों पर मोटरसाइकिल की सवारी करना, एक खुला कौशल के रूप में माना जाता है, ओपन स्किल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 290 है, एक टेस्ट
जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं चपलता जांच। पास जैसे कि पास पास रखा हुआ है चीज़ें, ठीक है, पास पास चीज़ें रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम जिग जिग पोजीशन में दौड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसे हम कहते हैं उसकी एजिलिटी जांच किया जाता है, ठीक है, एजिलिटी जांच किया जाता है चपलता। क्वेश्चन नंबर 291 है, खेल प्रदर्शन परिणाम होता है। तो दोस्तों खेल प्रदर्शन जो है कौशल यानी कि स्किल का परिणाम होता है। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध त्रुटि ढूंढने और उसका सुधार करने से है जिसकी सहायता से कोई खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं बुक में आप 3-4 बुक में यदि पढ़ेंगे तो खेल प्रदर्शन का परिणाम जो है स्किल का होता है, कौशल का होता है, लेकिन कहीं कहीं संपूर्ण व्यक्तित्व दिया हुआ है, पर यहाँ पर स्किल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 292 है कि पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है। तो पाठशाला की बात कर रहा है तो अंतः पाठशाला जो क्रियाएं स्पर्धाएं होता है वह जो है कार्यक्रमों को ख्याति प्राप्त करने के लिए मुख्य उपागम होता है। क्वेश्चन नंबर 293 है कि शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये भी प्रभावित करता है, उपकरण की उपलब्धता है कि नहीं, वातावरण कैसा है, सभी चीज़ें समय सारणी को प्रभावित करते हैं, तो प्रश्न भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 294 है कि निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों भार में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण की बारंबारता, निरंतरता, ये तीनों के तीनों खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत है, बट क्रिया की मितव्ययता नहीं है। क्रिया की मितव्ययता होगा तो क्या परफॉर्मेंस करेगा, कुछ भी नहीं। मितव्ययता मतलब कमी, तो कमी नहीं उसको बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 295 है कि एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कहते हैं। जो हमारे मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता होता है उसको मापा जाता है, तो किस विधि से मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मांसपेशियों की कार्य क्षमता को किस विधि से मापा जाता है, इसमें घुमा के पूछा है। क्वेश्चन वही है कि एक मांस या मांसपेशी के समूह की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को, यहाँ पे कार्य क्षमता को रिकॉर्ड करने की विधि को क्या कहता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 296 है कि मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों जितना आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप अतिरिक्त अभ्यास करेंगे तभी मसल्स का ग्रोथ होगा, तो अतिरिक्त अभ्यास आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 297 है, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सटल रन से एजिलिटी यानी चपलता मापा जाता है, सिटअप से पेट की शक्ति सहनशीलता, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल जंप यानी सीधी खड़ी सीधी कूद। वर्टिकल जंप से हम पैरों की विस्फोटक क्षमता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298 है कि लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है। दोस्तों लंबी कूद की बात कर रहा है, जितने भी जंपे हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि जंप जहाँ पे शब्द आ जाएगा वो विस्फोटक शक्ति को मापेगा। ठीक है, तो विस्फोटक शक्ति जहाँ भी जंप आए वो विस्फोटक शक्ति का मेजर करेगा। क्वेश्चन नंबर 299 है, बल तथा गति का सक्षमता का सम्मिलन है, यानी बल और शक्ति, बल और गति दोनों मिलाकर के हम उसे कहते हैं, बल और गति के मिल से बना है विस्फोटक शक्ति, याद रखिएगा। अब बल शक्ति और सहनशीलता से मिलकर बना है शक्ति सहनशीलता स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 300 है कि गामा कौशल सीखने की उत्तम विधि है। दोस्तों किसी भी कौशल को सीखने का उत्तम विधि होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैक्स ए मेन परफेक्ट यानी नियमित अभ्यास है, इसके अंतर्गत तैरना, दौड़ना, साइकिलिंग करना सभी है, इसमें अभ्यास द्वारा सुधार या परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 301 है कि गामक गुण निम्न में से किसका आधारभूत माने गए हैं। तो दोस्तों गामक गुण यानी कि गामक मोटर मतलब मांसपेशियों का कार्य, मोटर का मतलब ही जान लीजिए एक मांसपेशी कार्य। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो गामा गुण निम्न में से किसका आधारभूत माने गए हैं, तो क्रीड़ा कौशल का। ठीक है,
यानी कि बालक के गामक विकास में अनेक कारक प्रभावशाली होते हैं। गामक सीखने के उद्देश्य किसी शारीरिक क्रिया के में सिद्धस्थ होना होता है। मानव गुण क्रीड़ा कौशल के आधारभूत माने गए हैं। बाल्यावस्था में गामक नियंत्रण स्थापित हो जाने से ही बालक बड़ा होकर साइकिल चलाना, मोटर चलाना एंड इत्यादि जटिल गामक क्रियाओं को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 302 है कि जेसीआई परीक्षण में शामिल होता है। तो दोस्तों जे से जम, सी से चिनअप, आर से रन, यानी कि जेसीआई परीक्षण में सार्जेंट जम, चिनअप एंड शटल रन शामिल होता है, जो सामान्य मोटर क्षमता को, मोटर स्किल को का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 303 है कि जेसीआई परीक्षण मापता है। जेसीआई परीक्षण क्या मापता है? सामान्य गामक योग्यता यानी कि जनरल मोटर स्किल मापता है, जबकि ऑफर्ड यूर टेस्ट क्या मापता है? मोटर स्किल, गामक योग्यता, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 304 है, परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना से कोई बेहतर उपकरण नहीं है, यह जानने के लिए, तो यह माध्यम में प्रभावी अंतर जानने के लिए शून्य परिकल्पना से कोई बेहतर उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 305 है कि किसी भी खेल में अधिकारियों या रेफरी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि खेलों के नियमों का सही पालन हो, कहीं कोई गलती ना हो, गलत तरीके से आयोजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 306 है कि बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है क्या बढ़ाने का? तो दोस्तों बैलिस्टिक प्रशिक्षण है सबसे अच्छा फ्लैक्सीबिलिटी, बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक पीएनएफ मेथड, ये सभी चीज़ें है फ्लैक्सीबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं, तो यह फ्लैक्सीबिलिटी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 307 है, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग कौन सा है? तो यहाँ पे जो दोनों तरफ सक्रियता राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहेंगे तो आप सबसे अच्छा अध्यापन ढंग होगा। क्वेश्चन नंबर 308 है, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। तो कक्षा का जो प्रबंध है वो सिखाने वाली क्रिया किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 309 है कि श्रव्य दर्शनी साधन अध्यापक की सहायता करता है। तो दोस्तों जब श्रव्य साधन हो गए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, और क्या कहते हैं जो भी चीज़ें हैं जो दिखा करके हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो जो हम पाठ को पढ़ा रहे हैं उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 310 है कि जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो दोस्तों जिम्नास्टिक जो है विशेष उपकरण के द्वारा ही सीखा जाता है, तो सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 311 है कि निरीक्षण समझा जाता है। तो दोस्तों निरीक्षण एक सक्षम अवलोकन की अनुभूति होती है। निरीक्षण क्या होती है? एक सक्षम अवलोकन की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 312 है, खेलों में हम कैसे घायल हो जाते हैं? तो दोस्तों जैसे खेलों में हम घायल कैसे हो जाते हैं कि खेलों का जो नियम है उसको पालन न करने से भी हम घायल हो जाते हैं, ये तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पर कि खेलों में कुछ दुर्घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? तो दोस्तों प्रशिक्षण के ज्ञान की कमी से तो होता ही है और नियमों का पालन न करने से, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं पूछा है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है कि आपको उलझाता है कुछ दुर्घटनाएं, तो कुछ दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि जो आपका उपकरण होता है वही दोषपूर्ण होता है, दोषपूर्ण उपकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 314 है कि एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है। अगर एक कुशल प्रशिक्षण है तो झूठ मूठ का बाबाई नहीं करेगा, बल्कि उसमें त्रुटि निकालेगा, ढूंढेगा और उसका सुधार करवाएगा, ठीक है। तो त्रुटि निकालेगा और सुधार करने से है। प्रशिक्षण तकनीक कौशल का ज्ञान और व्यवहार सिखाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य किसी व्यक्ति की योग्यता और आकांक्षा के अनुरूप तरीके से अपनाकर उस व्यक्ति की प्रदर्शन क्षमता में सुधार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 315 है कि एथलीट का कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है? तो दोस्तों उसका जो है कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है? तो सही और पर्याप्त अभ्यास, ये नहीं कि फालतू गलत डायरेक्शन में अभ्यास कर रहा है, सही अभ्यास हो और पर्याप्त हो।
ठीक है। तो जो ऐसे द्वारा किया गया अभ्यास प्रैक्टिस होता है वो परफॉर्मेंस को सुधारता है, जिसे खिलाड़ी टीम वर्क में भी अपना सही योगदान दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 316 है कि इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत, अति भार का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत आपका खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं, बट अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 317 है कि कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। दोस्तों कोई भी कुशल योजना कब आप प्रारंभ करेंगे, जब आप कला पर पूर्ण रूप से कुशलता प्राप्त कर लेंगे उसके पश्चात। क्वेश्चन नंबर 318 है, निम्न में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणी है। सबसे कम आपको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है गति में, स्पीड में, ठीक है। ये अनुवांशिक होती है या अनुवांशिक अनुमोदन होती है, जन्म से ही विद्यमान होती है, जन्म के पहले ही माँ के पेट से ही विद्यमान होती है या गति। क्वेश्चन नंबर 319 है, निम्न में से किसी अनुवांशिक अनुमोदन कहा जाता है, तो होता है आपका गति। क्वेश्चन नंबर 320 है, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले कार्य करने से पहले या खेलने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, शरीर को गर्माते हैं, जिससे लचीलापन विकसित होता है और तो इससे चोट कम लगती है। लेकिन कार्य समाप्त होने के बाद जो आपके अंदर बहुत सारे थकान हुआ है उस सब को दूर करने के लिए लिम्बरिंग डाउन जो है खेल के पश्चात किया जाता है, खेल के पश्चात किया जाता है। तो किसी भी स्पर्धा प्रतियोगिता का प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में लाने के लिए लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन किया जाता है। कूलिंग डाउन शरीर को धीरे धीरे थकावट या प्रयास की अवस्था से आराम या लगभग आराम की दशा में लाने की प्रक्रिया होती है। इसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य लैक्टिक अम्ल के स्तर को घटाना होता है, दिल की धड़कन और श्वास दर को सामान्य या रिड्यूस हार्ट एंड ब्रीदिंग रेस्ट करना होता है। लिम्बरिंग डाउन जिससे ठंडा होना किसी क्रिया किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता के तुरंत बाद करना अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक होता है, जिससे आपके जो भी थकान हुआ है, आपकी जो नसें हैं, धमनियां हैं, सिरा हैं, उसमें ब्लड जमता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 321 है कि किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक होता है। तो प्रतियोगिता के बाद लिम्बरिंग डाउन ठंडा होना, प्रतियोगिता के पहले वार्मिंग अप यानी गर्माना होता है। क्वेश्चन नंबर 322 है कि शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूलिंग डाउन जरूरी होता है, तो क्यों जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन राइट होगा। श्वास दर को सामान्य करता है, लैक्टिक अम्ल को घटाता है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों राइट होगा, बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों राइट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 323 है कि व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्या करता है, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। जैसे एक प्रकार से शवासन को भी वही कह सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज करने के बाद शवासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 है कि 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना निम्न स्तर के व्यायाम का विस्तार क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसे ही कहते हैं कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना, निम्न स्तर के व्यायाम करना, विस्तारण कूलिंग डाउन कहलाता है। खेल या शारीरिक श्रम के करने के पश्चात शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कूलिंग डाउन अनिवार्य होता है। इससे हृदय गति की बढ़ी हुई धड़कन को धीरे धीरे सामान्य किया जाता है, शरीर को थकावट से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये था स्पोर्ट ट्रेनिंग से जो है आपके 3 वीडियो, जिसमें 300 हो गए। तो अब आपका नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स से। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा, कमियां होगा, कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।